क्वेश्चन नंबर सेवन्थ का सी पार्ट, एक्स बाय ए माइनस वाई बाय बी इज इक्वल टू जीरो। ए बी एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया बी एक्स, यहाँ आ गया ए वाई इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आ गया। तो बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर सेकेंड इक्वेशन है। दोनों को बैलेंस करने के लिए इसको ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको बी से, मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। सॉल्व किया तो ये आ गया ए एक्स बी माइनस ए स्क्वायर वाई, जीरो से ए को मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही आएगा। फिर बी से इन सबको किया, ए बी एक्स और बी स्क्वायर वाई और ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, सबके साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों के पास ही माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज वाई, और माइनस इन दोनों का कॉमन लिया और बी दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर दोनों का माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया तो वाई आ गया बी। ओके, उसके बाद है इसको पुट किया, जब फर्स्ट में बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ पर था पॉजिटिव बी, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ए बी, बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, बी एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बी, और ये बी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए।